ये कहानी दिल ना छूले तो बताना। एक घर से रोज रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। एक दिन उनकी माँ एक बहुत ही पहुँचे हुए संत के पास गई और बोली, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करे। संत ने एक कागज पर कुछ लिख दिया और उससे कहा, जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तब इसे पढ़ना। उस माँ ने वो कागज संभाल कर रखा। अगले ही दिन किसी ने पैसों से भरा थैला घर के आंगन में फेंका। थैले से एक चिट्ठी निकली जिस पर लिखा था, इससे कोई व्यवसाय कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उसके पति ने एक दुकान किराए पर ले ली। व्यवसाय में बरकत हुई। बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे। पैसों की बारिश सी हो गई। एक दिन माँ की नजर पुराने संदूक में संत के लिखे कागज पर पड़ी। न जाने संत ने ऐसा क्या लिखा था। उसने कागज खोला, उसमें लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हों, और लिखना, इनसे कोई व्यवसाय करे। निष्कर्ष, सिर्फ इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। किसी की मदद ऐसे करो कि बाद में वो किसी और की भी मदद कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले।